हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ जिम वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये सबके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हुई होगी। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं क्लिक करेगी कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है। तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोगों के साथ जो फ्रॉड होता है, जो आपके पैसे का नुकसान होता है, आप उससे बच सकते हो। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल कलर का बटन, इसको तोड़ लो, एक बेल निकलेगी उसको बजाओ और ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत अच्छी वीडियोज आएंगी। फिर तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, यहाँ पे मैंने दो कंपनियों को मेंशन किया हुआ है। एक्सप्रेस बीज एक कोरियर कंपनी है, न्यूट्रिशन प्लैनेट एक न्यूट्रिशन कंपनी है, सप्लीमेंट कंपनी है। तो मैं आपको पूरा इंसिडेंट बता देता हूँ, पूरी स्टोरी बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि गलती किसकी थी और ये लोग कैसे बिहेव करते हैं पब्लिक के साथ। तो हुआ ऐसे कि मैंने कुछ न्यूट्रिशंस, कुछ सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन प्लैनेट से ऑर्डर किए, पहले भी कर चुका हूँ, तो फिर से मैंने अच्छे से सब कुछ सही था, दो बार मैं पहले ऑर्डर कर चुका हूँ। तो इस बार मैंने फिर ऑर्डर किए, बात हुई, सप्लीमेंट सिलेक्ट किए, उन्होंने मेरे को पेमेंट बताई। प्रीपेड ऑर्डर होता है तो उन्होंने बोला कि आप पे कर दीजिए, पे करते ही मैं आपका ऑर्डर निकाल देता हूँ। तो मैंने जैसा कुछ जैसे भी था मैंने गूगल पे उनको पे कर दिया, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने वहाँ पे उनको पे कर दिया, एक दिन बाद उन्होंने मेरा ऑर्डर निकाल दिया, मेरे को ट्रैकिंग आईडी दे दी, सब कुछ सही चल रहा था। ट्रैकिंग आईडी हुई 2 तारीख को, लास्ट 2 मई जो गई उसको मेरी जो आइटम थे उसकी डिलीवरी डेट थी, तो 2 तारीख को वो आइटम यहाँ आ चुका था, मैंने ट्रैक किया। अब एक्सप्रेस बीज पे मैंने कॉल किया तो किसी ने कॉल पिकअप ही नहीं कर रहा, ना मेरे को डिलीवरी के लिए किसी ने कॉल किया, ना मेरा कॉल किसी ने उठाया। 3 तारीख को मैंने फिर से कॉल किया, बात हुई किसी से, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो कि भाई मेरा ऐसे ऐसे ऑर्डर था, वो आप लोगों ने डिलीवर करना था कल, तो अभी आपने मेरे को डिलीवर नहीं किया। तो वो बोलता है सर मैं चेक करवाता हूँ, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, अभी मैं घर पर हूँ, बाहर हूँ। 2-3 बार ऐसे ऐसे हुआ, फिर लास्टली जाके उस बंदे ने एक्सेप्ट किया कि सर आपका ऑर्डर आ गया और मैं निकलवाता हूँ। तो एक्सप्रेस पीस के कोरियर बॉय ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपका ऑर्डर लेके आऊँ या नहीं, क्योंकि ये जो आइटम है इसकी पैकिंग जो है वो फटी हुई है, इसको मैं बोरे में डाल के ले आता हूँ अगर आपको ये चाहिए तो। फिर मैंने उसको बोला ठीक है आप लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे वो देखना था कि उसमें क्या क्या आया है और कितना डैमेज है, क्या कुछ है। तो मैंने उसको बोला कि अगर आइटम डैमेज नहीं होगा तो मैं फिर भी चलो ठीक है कोई नहीं, पैकिंग से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आइटम सही रहेंगे, मेरे प्रोडक्ट सही रहेंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मैंने उसको यहाँ पे बुलाया, उस बंदे को मैंने बाहर ही रोका, फिर मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे हालत देख के वो एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं लगा। फिर मैंने उस बंदे को खुद बोला कि मुझे ऐसा करो तुम इसको ओपन करो, मैं साथ साथ वीडियो बनाता हूँ। अब मैंने क्या किया, जैसे वो मुझे ओपन कर अपना वो ओपन कर रहा था वहाँ से सामान, तो मैं साथ में वीडियो बनाया पूरे प्रोडक्ट्स की। तो काफ़ी सारे कई प्रोडक्ट डैमेज थे, बॉक्स डैमेज थे, कुछ लीक हो रखे थे, तो वो लेने की हालत में नहीं था ओवरऑल। तो मैंने उसकी वीडियो बना ली, फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और फिर मैंने वहीं के वहीं कंपनी से बात की, न्यूट्रिशन प्लैनेट से, उसमें कुछ सामान भी कम था, उसमें कुछ सामान भी कम था, तो फिर वहीं के वहीं मैंने न्यूट्रिशन प्लैनेट से बात की, मगर सर ये ऐसे ऐसे ऑर्डर आया, इसकी पैकिंग भी नहीं है और आइटम लीकेज डैमेज है। तो ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल पे मैंने उनको वो चीज़ दिखाई, उसी टाइम फोटोज़ और वीडियोज़ भी भेजे, सारी चीज़ मैंने उसी टाइम वहीं पे कर दी। अब डिलीवरी बॉय ने बोला बताओ सर आप क्या करोगे, इसको लोगे या नहीं लोगे? तो मैंने उसको बोला कि भाई इस कंडीशन में तो मैं नहीं लूँगा। तो एक बार न्यूट्रिशन प्लैनेट ने मेरे को अप्रोच किया कि सर आप इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये अगर आप इसको वापस भी करोगे तो ये वापस नहीं आएगा हमारे पास, कोरियर वाले इसे लॉस्ट दिखा देंगे, डैमेज दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। तो मैंने मखा यार एक्सेप्ट करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं इसको डैमेज प्रोडक्ट को रख के क्या करूँगा, ना तो मेरे से कोई लेगा और ना ये मेरे काम में आएगा, तो मैं इसको एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता हूँ इस हालत में, आपको मैं फोटोज़ दिखाऊंगा आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो अब न्यूट्रिशन प्लैनेट वाले ने उससे बात की, एक्सप्रेस बीज वाले से उनकी आपस में कुछ बात हुई, तो फिर लास्टली मैंने बोला कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप इसको कैंसिल में डाल दीजिए। तो डिलीवरी बॉय ने बोला ठीक है सर, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको कम से कम आज ही निकलवा देना तुम वापस के लिए, तो बोला ठीक है सर RTO बनेगा इसका, मैं निकलवा देता हूँ, ठीक है हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने न्यूट्रिशन प्लैनेट वाले से बात की कि सर आपका प्रोडक्ट तो मैंने वापस कर दिया है, आप या तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए
या मुझे सेम मेरा ऑर्डर वापस कर दीजिए। तो अब वो बोले कि ये सामान मेरे पास वापस ही नहीं आएगा, अब इसके अगर वापस आ भी जाता है तो इसके कोरियर चार्जेज जो अभी ये आया और कैंसिल होकर वापस आएगा ये आपको पे करने पड़ेंगे। मैं बोला यार मुझे तो सामान ही नहीं मिला, मैं कहाँ से पे करूँगा। तो फिर लास्टली ये हुआ कि ठीक है ऐसा करते हैं कि ये पहली बात तो वापस नहीं आएगा सामान, पर अगर ये वापस आ जाता है तो मैं आपका प्रोडक्ट वापस से नया भेज दूंगा। अब ये डिसाइड हुआ न्यूट्रिशन प्लैनेट से। चलो कोई नहीं, मैं इस पे भी एग्री हो गया कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, वापस तो आ ही जाएगा। अब मैंने फिर एक्सप्रेस बीज से बात की कि भाई मेरा जो रिटर्न था वो हो गया कि नहीं हुआ। अब एक्सप्रेस बीज से ये पता ही नहीं चल रहा उन लोगों को कि सर रिटर्न था, अभी कंपनी जाएगा वहाँ से वो न्यूट्रिशन प्लैनेट वाला मेल करेगा वगैरह वगैरह, कई चीज़ें हो गई इसके बीच में। चलो अब ये तो कम से कम मेरे पास प्रूफ था तो मैं थोड़ा सा सेफ था कि भाई मेरे पास वीडियो है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है और मेरे पास डैमेज प्रोडक्ट के फोटोज़ हैं, तो दोनों कंपनियाँ जो थी उनके मतलब लिए मेरे पास प्रूफ था कि मैं कहीं पे भी स्टैंड कर सकता हूँ उनके खिलाफ। तो अब लास्टली मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्रेस बीज को भी मेल किया कि डैमेज प्रोडक्ट था मेरा, रिटर्न था, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरी डिटेल डाल दी। तो फिर वहाँ से मेरे को कॉल बैक आया अगले दिन, तो अब वो एक मैडम से बात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे ये, तो उन्होंने बोला ठीक है सर हम RTO आपका बनवा देते हैं, आज आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है हो गया। अब आज भी मेरा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। फिर लास्टली मैंने शाम को जाके थोड़ा सा उनको बताया कि आई विल फाइल ए केस अगेंस्ट दिस ये वो, तो तब जाके उन्होंने मेरा RTO बनाया और वो प्रोडक्ट निकाल दिया। अब उसी ट्रैकिंग ID पे वो प्रोडक्ट जो है निकल चुका था 4 तारीख को शाम को, तो अभी भी वो ट्रांजिट में ही है। अब जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अब वो शायद दिल्ली पहुँचने वाला है वापस, जहाँ से ऑर्डर आया था, तो शायद होपफुली आज या कल पहुँच जाएगा। तो अब लास्टली इन दोनों चीज़ों में ये हुआ कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अगर आप मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाता, ब्लाइंडली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता ठीक है विदाउट कुछ देखे, तो वीडियो नहीं होते, फोटोज़ नहीं होते, कंपनियों से बात नहीं की होती, तो शायद ये चीज़ फंस जाती, मेरे को डैमेज प्रोडक्ट मिलते या तो, या फिर मैं उसको बिना करके ऐसे ही वापस भेज देता, तो चांसेस है कि वो लॉस्ट हो जाता। कई बार ये लोग क्या करते हैं, खुद से डिलीवरी पिन डाल के खुद से डिलीवर दिखा देते हैं प्रोडक्ट, ऐसा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, कम से कम आप उसको अगर ले भी लेते हो तो उसकी अनबॉक्सिंग की एक वीडियो जरूर रखें एज ए प्रूफ ठीक है। अब क्योंकि कंपनी से मैंने उसी टाइम बोला कि भाई इसमें सामान भी कम है न्यूट्रिशन प्लैनेट पे, तो उसमें ऑटो में सामान कम था, अगर वो सामान मैं वीडियो नहीं बनाता तो उसका ब्लेम मेरे पे आ जाता डेफिनेटली ठीक है। बट उसमें वीडियो में साफ दिखाया कि उसमें जो कुछ सामान थे वो कम थे। अब न्यूट्रिशन प्लैनेट वाले ने बोला कि ये कोरियर वालों ने ऐसा किया है, कोरियर वालों ने ये कर दिया। अब डैमेज की बात आई तो मैंने दोनों कंपनियों को बोला कि किसकी वजह से ये हुआ है, तो एक्सप्रेस बीज ने बोला कि हमें तो ऐसा ही मिला था। अब न्यूट्रिशन प्लैनेट ने बोला कि इन लोगों ने ऐसा किया है, तो आप लोग डिसाइड करो कि किसकी गलती है। मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन प्लैनेट तो खैर बॉक्स बना के तो भेजा ही होगा, पैकिंग तो कोई भी कंपनी करके भेजती ही है, तो शायद ये ट्रांसपोर्ट में जो भी दिक्कत हुई इशू है, मैं ये हर बार का नहीं कह रहा एक्सप्रेस बीज से या कोई ऐसी चीज़ कह रहा हूँ, एक्सप्रेस बीज भी अच्छी कंपनी है, बट थोड़ा ध्यान रखें कुछ अगर लग रहा है आपको फूड आइटम्स हैं तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट में थोड़े से ध्यान से लाया जा सकता है। और दूसरा चीज़ न्यूट्रिशन प्लैनेट को ये बोली जा सकती है कि आप थोड़ी सी पैकिंग को, थोड़ा फूड आइटम्स आपको पता है आपके सप्लीमेंट्स हैं, थोड़ी पैकिंग को आप और अच्छी कर सकते हो। मैं किसी भी कंपनी को गलत नहीं बोल रहा हूँ बट थोड़ी चीज़ों का सुधार होना ज़रूरी है। और बाकी जो चीज़ें ये हैं, अगर किसी कोई इस टाइप में फंस जाता है कि भाई किसी का सामान गलत हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो आप उसको रिटर्न एक्सेप्ट करो। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी इन दोनों कंपनियों की। तो अब आप लोग डिसाइड करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस कंपनी की गलती थी, किसकी वजह से प्रोडक्ट डैमेज हुए, और थोड़ा सा कस्टमर सपोर्ट जो है वो दोनों कंपनियों को सुधारने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस बीज को तो खासकर बिल्कुल एकदम इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है कि अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो उसको अच्छे से डील करो, और डिलीवरी अगर आ गई है आप लोगों के पास तो सेम डे उसको डिलीवर कर दो, ये नहीं कि क्लाइंट आपके पास कॉल करके आ रहा है। तो आप लोग बताओ और किस किस के साथ ऐसी फ्रॉड हुआ है, ऐसी चीज़ हुई है कि किसी का नुकसान हुआ है, किसी का प्रोडक्ट वापस नहीं गया या पैसे चले गए प्रोडक्ट नहीं आया, तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना और मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, तो मैं कोशिश करूँगा उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लाने की, ढूंढने की आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। तो सेम नाम से अकाउंट है बुल फिटनेस ऑफिशियल,
और भी कोई कार्य इस टाइप से रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी सबके साथ होता रहता है, मुझे पता है। डिलीवरी वाले भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, काफ़ी मतलब मिसबिहेव भी करते हैं, तो आप उस कंपनी को मेल कर सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताना कॉमेंट करके ज़रूर। और बाकी अभी होपफुली मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस मिल जाएगा, मेरे पैसे तो कहीं नहीं जाने वाले, बट ये करंट लॉक सिचुएशन थी, तो मेरा प्रोडक्ट अभी वापस पहुंचने वाला है वहाँ पे कंपनी के पास, वहाँ से मेरा प्रोडक्ट निकल जाएगा। और भी कुछ अगर इस सिचुएशन में अपडेट होता है, कुछ और चीज़ होती है, तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करें, बुल फिटनेस ऑफिशियल सेम नाम से अकाउंट है। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।